शक्तियों को लेकर के तुम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ रहे हो, वो शक्तियां इतनी काफी नहीं है कि तुम एक लकीर की तरह आगे बढ़े चलो, कहीं न कहीं पर रुकना पड़ता है और कहीं न कहीं पर थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण जो है वो सबसे जरूरी है, उसे समझना चाहिए। हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, महात्माओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो मन करता आध्यात्मिक मार्ग में जाने का, तभी तो पढ़ने के बाद मन करता है। तो ये पढ़ने के बाद जो तुमको आध्यात्मिक मार्ग में जाने का लालच हो गया, तो वास्तव में उतने उसके अधिकारी नहीं हो। तुमने केवल बुद्धि से ही उसको समझ पाया है। तो जब तुम यात्रा की तैयारी करते हो तो बड़े जोश के साथ करते हो, जाएंगे आध्यात्मिक मार्ग में, और आगे जाने के बाद पता चलता है देखिए तो गद्दा ही तो अपने साथ नहीं लाया, रात कहां बिताएंगे। मान लो हम यहां से इंग्लैंड जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के अगर हमको पता चला कि पासपोर्ट मुंगेर में भूल गए तो क्या करेंगे बोलिए, वापिस आना पड़ेगा। इसी तरह से साधक अपने कर्म और अपनी योनि का, अपने कर्म, जन्म कर्म और योनि तीन चीज होती है ना, जन्म कर्म योनि का कमिटमेंट पूरा किए बिना कभी कभी बुद्धि से प्रभावित होकर के, शास्त्र महात्माओं की पुस्तकों को पढ़ करके, सत्संग वगैरह में जा करके, कभी कभी दुख के कारण बहुत ही विह्वल होकर के उस मार्ग में जाता है। कोई तो आर्त भाव से जाता है, नहीं? कोई जिज्ञासा भाव से जाता है, कोई अर्थार्थी भाव से जाता है, और कोई प्रेम भाव से जाता है, कोई कारण लेकर के जाता है। अहेतुकी साधना कोई नहीं करता है, समझ रहे ना, अहेतुकी साधना बेमतलब, बिना किसी हेतु के। जो भी साधना हम करते हैं वह किसी हेतु को लेकर के होती है, और उस हेतु को लेकर के जब हम साधना के मार्ग में जाते हैं तो कुछ जरूरतों को पूरा हम शुरू में नहीं करते हैं। सबसे पहली जरूरत जो है वो ये है कि संस्कारों का ठीक ढंग से डिस्पोजल, मतलब मनुष्य के जन्म में पूर्व जन्म के अनुसार कई एक संस्कार हैं, और उन संस्कारों में बहुत जबरदस्त आकर्षण शक्ति है, वे साधारण संस्कार तो नहीं है। मान लो भूखा आदमी है तो उसको तो भूख लगी है, उसका संस्कार है, जब उसके सामने भोजन आएगा या भोजन की याद आएगी तो खाना जरूर चाहेगा, क्योंकि भूख के कारण उसको एक आकर्षण है भोजन के लिए। उसी तरह से ये जो संस्कार होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं, और उन संस्कारों के होते हुए भी हम लोग कभी कभी बहुत इंस्पिरेशन में, बहुत जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद फिर अनेकों भावनाएं अपने मन में आती हैं, कई चिंताएं मन में आती है, केवल तुम्ही लोगों को नहीं आती, हम लोगों को भी ऐसे चलता है। आगे जाकर के कभी कभी पता चलता है हम लोगों को कि हम तो बढ़ तो बहुत ऊंचे गए हैं, आधा घंटा पौन घंटा एकदम निरंतर समाधि में भी बैठ गए हैं, सब कुछ हो गया है, मगर कोई कर्म छूट गया है, पासपोर्ट मुंगेर छूट गया है। अब उसको लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। अब उसको तुम चाहो डाउनफॉल भी कह सकते हो, और चाहो तो थोड़ा सा प्रकृति के नियमों का डिस्पोजल भी कह सकते हो, या उसको ये भी कह सकते हो कि भाई वो आध्यात्मिक मार्ग से नीचे गिर गया बेकार, लंदन जाना था तो मुंगेर पहुंच गया। ये केवल कहने का है, मेरा कहने का ये मतलब होता है कि हर साधक को ये विचार कभी मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं कितनी प्रगति कर रहा हूं, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति जो है उसको आंकना कम से कम साधक के वश का है नहीं। प्राय साधक जो होते हैं वो हम ही लोग तो हैं साधक, जिनको अपना काम वासना नहीं दिखती, जिनको अपना क्रोध नहीं दिखता, जिनको अपने दुर्गुण नहीं दिखते, जिनको अपनी खराबियां नहीं दिखती, उनको अपना प्रगति कैसे दिखेगी? जिनको अपने दुर्गुण ही नहीं दिखते हैं तो उनको अपने सद्गुण कैसे दिखेंगे? हरेक तो अपने को 30 मार खा समझे बैठा है।
तो अपनी प्रगति को तो आंकना बड़ा मुश्किल है। महात्मा लोग कहते हैं कि एक बार एक आदमी ने गमले में बीज बो दिया और बीज बोने के दूसरे दिन सवेरे देखने लगा कि कितना बढ़ गए देखे तो उसे ऊपर से मिट्टी हटाई देखा बोला नहीं फिर मिट्टी डाल दिया। वो रोज सवेरे प्रगति को आंकता था अपनी बीज ही खत्म हो गया बीज ही नष्ट हो गया है। उसी तरह से आध्यात्मिक साधक के पास कोई भी मापदंड यार्ड स्टिक नापने की ऐसी चीज नहीं है कि जिसके द्वारा वो नापे जांचे कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई है। कितने लोग जो होते हैं दयालु होते हैं मगर वो आध्यात्मिक प्रगति के कारण नहीं दयालु होते हैं। कोई उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कोई उनका मानसिक प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोग बड़ा सत्यवादी भी होते हैं मगर वो हो सकता है कि उनका एक उनकी अपनी समस्या हो। तो कहने का मतलब है एथिक्स हो या मोरालिटी हो या कोई सिद्धि हो ये कोई आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण नहीं है। और या कोई तुमको रात को ध्यान बैठ करके छाया और प्रकाश और देवी और देवता दिखते हो यह भी कोई आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे डॉक्टर लोग नाड़ी देख के बोलते हैं कि इसको लगता टाइफाइड है सिम्टम ये सिम्टम जरूर है ऐसी बात है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक प्रगति को नापना नहीं चाहिए। एक चीज अब इस मार्ग में क्या हो जाता है कि कभी कभी किसी साधक की आत्मा थोड़ी देर के लिए नीचे उतरती है। नीचे उतर करके वह संसार की लीला भी करती है। अब देखो भक्तों की बात का है कहोगे भगवान कृष्ण को तो जानते ही हो उनको ईश्वर का अवतार मानते हैं उनको कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं उनको पूर्ण अवतार मानते हैं ना अंशावतार नहीं मानते हैं। मगर संसार में उन्होंने क्या क्या लीला की मालूम है ना है? कितनी लीला उनको की क्योंकि ये चीज आध्यात्मिक जीवन एक ऐसा जीवन है जिसको समझना साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। मगर इसमें संक्षिप्त चीज इतना ही है रोज नियम से करना चाहिए और फल की आशा से रहित होकर के करना चाहिए। उसमें होप नाम की कोई चीज नहीं है। ये अपने गीता का जो मुख्य उपदेश है गीता का मुख्य उपदेश है कि फल की आशा से रहित होकर के। फल का मतलब क्या होता है होप कहते हो ना एक्सपेक्टेशन कहते हो। आदमी हर चीज के पीछे आशा लिए बैठा है। लड़का बड़ा होगा तो नाम कमाएगा पैसा कमाएगा लड़की बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई एक होगा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा होगा पैसा ज्यादा होगा तो मकान बनाऊंगा। यानी ये होप हुआ इसको आशा या फल की आशा कह सकते हो। ये आशा जो है ये अगर जीवन से निकल जाए और आदमी केवल कर्म के हेतु कर्म करे या आत्म शुद्धि मेरी शुद्धि हो रही है इस कर्म के द्वारा मेरी आत्म शुद्धि हो रही है अगर ऐसा विचार करके वो कर्म करे या फिर परमार्थ के हेतु कोई कर्म करे तब जाकर के उसकी सचमुच में आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। का संबंध आध्यात्मिक आयाम का संबंध है। मिट्टी हमारी यहां रही प्राण तुम्हारे पास। शरीर का संबंध नहीं है ये मिट्टी माने शरीर हुआ ना हा? स्त्री पुरुष का संबंध बाप बेटों का संबंध भाई बहन का संबंध इत्यादि जो संबंध दुनिया में देखते हो ये खून के रिश्ते हैं ये मिट्टी के रिश्ते हैं और उसी तरह से चलते हैं ये और चलना भी चाहिए। यद्यपि कुछ समय के बाद यह भी नहीं रहे तो अच्छा है किंतु गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह कोई धर्म संबंध नहीं है क्योंकि हम हिंदू हैं तुम हिंदू हो मुसलमान तुम नहीं या कोई पंथ का भी संबंध नहीं है ये कोई कल्ट नहीं है यह एक प्योर प्रेम का संबंध है। प्रेम का संबंध है तो प्रेम के जो होते हैं एक रूप होता है प्रेम का वासना
क्यों जानते ही हो ना, काम क्रोध लोग सुनते ही हो, प्रेम का वो एक रूप है। वो प्रेम का दूसरा रूप यही है, वात्सल्य है, ममता है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है। इसको ज्यादातर प्रेम शब्द से कहा जाता है कि भाई हाँ मेरी उसकी प्रति ममता है, प्रेम है ये। और प्रेम का तीसरा रूप है भक्ति। भक्ति कहो, प्रेम कहो, वासना कहो, उसमें जो करंट, मूल करंट एक है। करंट जो उसका जो मेन करंट है उसके अंदर में, वो ये तीनों में एक है। अब इसमें ये देखा जाता है कि गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव बढ़े तो उसमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इतिहास ने हम लोगों के सामने बहुत से कठोर सत्य प्रस्तुत किए हुए हैं। अब जैसे उदाहरण ही ले लो कि ईसा मसीह ईसाइयों के गुरु जी थे, उनका कितनों के गुरु जी थे, मगर उनको एक अपराधी के रूप में सूली पर चढ़ाया गया। चेला लोगों का क्या हाल हुआ, तुम अंदाज लगा सकते हो कि अगर आजम हथकड़ी लगा करके जेल चले जाए तुम लोग या तो पागल हो जाओगे। मैंने वो तुम्हारा अपने प्रेस्टीज का सवाल नहीं उठता है, और या बोलोगे कि हद तेरी का, हमको तो ठग लिया स्वामी जी ने। तो इतिहास ने बतलाया है कई बार, स्वामी दयानंद जी को जहर दिया गया ना, जो कांच में जहर दे दिया गया, ऐसे अनेकों कहानी। हाँ, भगवान बुद्ध जब जीवित थे तो उनको मानने वाले तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग थे, मगर उनको गाली देने वाले उतने ही थे। ये तो कोई नहीं कहता है, मगर हम लोगों ने जो उनके जो क्रॉनिकल्स पढ़े हैं, वो सब क्रॉनिकल्स में भगवान बुद्ध को सामने गाली देने के लिए लोग आते थे कि तुम चंडाल की तरह बात करते हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम हिपोक्रिट हो, तुम मायावी हो, ऐसा ऐसा करके लोग बोलते थे। ये नालंदा से जो एक ब्राह्मण आया था, क्या नाम था उसका, बड़ा अच्छा पंडित था, मौदगल, जिसके नाम से नगर का नाम मुंगेर पड़ा है, वो यहाँ आया। वो नालंदा की तरफ रहता था, जहाँ राजगीर के पास एक गांव है, नारंग उसका नाम अभी, वो यहाँ से आया। भगवान बुद्ध को कपटी वपटी सब बोलने लग गया, और बड़ी उसने भगवान बुद्ध के सामने उनको ऐसा कहा, तुम गाली दो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को तो। मगर भगवान बुद्ध ने उसको अच्छी तरह से एक संत की तरह टैकल किया, और बाद में मौदगल जो है उनका एक प्रिय शिष्य बन गया। उनके दो प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगल। तो मौदगल के नाम उन्होंने यही आश्रम बनाया उनका। तो उसी तरह से अनेकों महात्मा जैनों के जो गुरु है महावीर, लोग उनको पत्थर फेंकते थे, उनको बड़ा तंग करते थे। वो भी तो मुंगेर जिले में ही पैदा हुए ना, जैन जो महावीर चौधरी थे, यही यहाँ से जमुई सब डिवीजन है, वहीं पैदा हुए। तो मुंगेर के लोग तो ऐसे ही है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो ये है कि गुरु के प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसका आधार पक्का होना चाहिए। न तो उनका यश और न उनका स्टेटस, न उनकी संपत्ति, न ही उनकी सिद्धि, नहीं उनका रूप रंग, नहीं उनकी जाति, नहीं उनका वर्ण, नहीं उनका गोत्र, नहीं उनकी शिक्षा, कोई भी गुरु की क्वालिफिकेशन का विश्वास और श्रद्धा का आधार नहीं होता है। श्रद्धा का आधार जो होता है वह स्वयंभू होता है, अपने आप। तुमने उसको प्रेम क्यों किया जी, हो गया तो कहा जा सकता है। उसको तुम समझा नहीं सकते हो, उसको समझाना बुद्धि के परे है। बुद्धि बतलाती है कि भाई मीराबाई को एक ठो लकड़ी की मूर्ति मिली, तो उसने सोचा बड़ी सुंदर मूर्ति है, ये तो पुरुष की तरह लगती है, मैं इसको पुरुष बनाऊंगी, फिर उसकी शादी करूंगी। ऐसा थोड़े उसने सोचा था, नहीं, मीरा ने ऐसा सोचा होगा क्या? नहीं, वो देखते ही हो गया प्रेम, श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो गुरु और शिष्य के बीच में स्वयं ही बिना किसी कारण से अकारण जागती है, और वह उसका या तो पूर्व जन्म का संबंध है, या फिर शिष्य के पूर्व कर्म का संबंध है, या कभी कभी गुरु के भी पूर्व जन्म का कारण हो सकता है। जैसे रामकृष्ण को, परमहंस रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद जी मिले, तो अब ये विवेकानंद जी का कर्म था कि उनको रामकृष्ण जैसे गुरु मिले, या रामकृष्ण का कर्म था कि उनको स्वामी विवेकानंद जी जैसे चेला मिले, समझ गया ना? अब वो, मगर हमको जहां तक मालूम है, हम अपना मत रखते हैं इसमें,
वो विवेकानंद को रामकृष्ण जैसे गुरु मिले कि नहीं मिले मैं तो नहीं कहता हूँ, वो तो सौभाग्यशाली रहे, मगर रामकृष्ण को विवेकानंद जी जैसा चेला मिला। और इसीलिए रामकृष्ण बराबर विवेकानंद जी के लिए वेट करते थे, विवेकानंद का भी वेट नहीं किया रामकृष्ण के लिए, कभी कभी एबसेंट भी हो जाते थे, पढ़े हो ना बचनामृत में पढ़े हो ना, मन नहीं आया नहीं आया, मगर रामकृष्ण दरवाजे में बार बार जाकर के देखते थे कि आया कि नहीं आया, नरेंद्र आया कि नहीं आया, मतलब ये उनकी श्रद्धा थी शिष्य पर। मेरा कहने का मैं अपना विचार रखता हूँ, ये उनकी अपनी श्रद्धा थी शिष्य पर, जिसकी वजह से वो निरंतर अपने शिष्य के साथ में ऐक्य अनुभव करने का प्रयत्न करते थे। बाद में जब सब चीजें हो गई और विवेकानंद जी एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत हो गए, और जब रामकृष्ण नहीं रहे, तब विवेकानंद की श्रद्धा जागृत हुई, तब उनकी श्रद्धा जागृत हुई। ये बहुत ही बहुत कठिन प्रश्न है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए या स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये बहुत ऊंची चीज है। मैंने दो तीन बातें देखी है, गुरु के साथ संयोग होने से अपने आप आध्यात्मिक स्फूर्ति उत्पन्न होती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे कि तुम फूलों के सुंदर बगीचे में जाते हो, उपवन में जाते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है ना, वो जो बहुत अच्छा लगता है वो बौद्धिक है कि भावनात्मक है, सोचिए भावनात्मक है, तुमने सोचा थोड़े चूंकि यहाँ फूल है पत्तियां हैं कलियां इसलिए मेरे को नहीं, हो जाता है ऐसा। जैसे सुंदर उपवन में तुम लोगों को सुंदर सुहावना लगने लगता है, और जैसे गंगा जी के शीतल जल में स्नान करने से अपने आप शरीर शीतल और मन आनंद हो जाता है, या पूर्णमासी के चंद्रमा के दिन बड़ा अच्छा कैसा लगता है, या किसी गंदी जगह में तुम चले जाओ बम पुलिस में तो अपने आप ही होने लगता है। उसी तरह से गुरु और शिष्य के बीच संयोग से श्रद्धा स्वयं उत्पन्न हो जाती है, और उस श्रद्धा को बढ़ाने का कोई बौद्धिक उपाय करने की मेरी समझ में कोई आवश्यकता ही नहीं है। बढ़ाओ बातचीत। पंच तत्वों का विलय प्रकृति और पुरुष में किस तरह से? हाँ, क्या कहा? पंच तत्वों का विलय प्रकृति और पुरुष में किस तरह से? यह शरीर और सारा संसार पांच तत्वों के पंचीकरण से बना है। पंचीकरण का मतलब क्या होता है? गणित में उसको कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, परम्यूट और कंबाइन करते हैं, उसको कहते हैं पंचीकरण। तो जहां पांच चीजों का पंचीकरण होता है, या चार चीजों का होता है, ग्यारह चीजों का होता है, या बीस चीजों का होता है, उसको कहते हैं परम्यूट एंड कंबाइन। और जहां पांच चीजों का पंचीकरण होता है उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करके क्विंटुप्लिकेशन कहते हैं, पांच चीजों का हुआ। ये कैसे होता है वो मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। पंचदशी इत्यादि ग्रंथों में इसके बारे में समझाया है कि किस तरह से पांच तत्व मिले, और मिल करके धीरे 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 उन्होंने पदार्थ की उत्पत्ति की। अब यही पंच तत्व के पंचीकरण से बना शरीर, और इसी के ही पंचीकरण से बनी इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां होती हैं और पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और इसी से बना मन। मन को अपने यहां कहते हैं अंतःकरण। करण का मतलब होता है हथियार, है करण जिससे कुछ किया जाता है उसको कहते हैं, जैसे हंसिया होता है, घास काटा जाता है, वो घास काटने का उपकरण है वो। तो उसी तरह से अंतःकरण का मतलब होता है अंदर का, अंदर में एक चीज है जो कुछ विचार करती है, उसको अंतःकरण अपने यहां बोलते हैं, शब्द याद रख लो। और अंतःकरण जो है ये चार तरह का होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको कहते हैं अंतःकरण
चतुष्टय, ये भी पंच तत्व के सूक्ष्म भाव से पैदा होता है। पंच तत्व के तीन रूप माने जाते हैं, ये मैं बतला देना चाहता हूँ, ज्यादा तुम याद रख लेना बाद। एक तो हुआ पंच महाभूत, एक ही बात, पंच तत्व एक ही बात, और तन्मात्रा, ये तीनों एक ही चीज है, समझ लो कि एक दूसरे का सूक्ष्म रूप है या एक दूसरे का स्थूल रूप है। तो पंच तत्वों की सूक्ष्म अवस्था हो जाने के बाद ये अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह से ये शरीर और इंद्रियां, मन बुद्धि जो तुम लोग जानते हो, ये पंच तत्वों से बना है, बन गया पिंजरा। अब इस पिंजरे के अंदर में एक पंछी आकर के बैठ गया, इस पिंजरे के अंदर में एक पंछी आकर के बैठ गया। अब वो अपने को पिंजरे का पंछी कहता है, वो अपने को जंगल का पंछी नहीं कहता।